एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरे लाइफ की वैल्यू क्या है। तभी उस बच्चे के पिता ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ और इसे तुम लेकर मार्केट में चले जाना। अगर कोई इसकी प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना। वो लड़का मार्केट गया। वो कुछ देर तक ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। तभी वो बुढ़िया बोली, 200 रुपए, ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी। वो बच्चा एकदम से चौंक गया, एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो कि पत्थर कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उसका प्राइस 200 रुपए। वे तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपए देने के लिए तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाना। वह बच्चा उस पत्थर को म्यूजियम में लेकर गया। वहाँ एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रख के पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा, फिर उसने अपनी दो उंगलियाँ दिखाई। आदमी बोला, 20,000 रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे इस पत्थर को दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपए देने के लिए तैयार था। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थर की दुकान पर जाना है और अगर वहाँ कोई भी इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत बताना, दो उंगलियाँ खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों के दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी था जो काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम से चौंक गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर? क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर के लिए? वो बच्चा तभी चुप रहा और अपनी दो उंगलियाँ खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने? 2,00,000 रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2,00,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ ये पत्थर तुम मुझे दे दो। उस लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुँचा और बोला, पापा एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2,00,000 देने के लिए तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या तुम अब समझे अपने लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2,00,000 का। ज़िंदगी में ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।